हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी काम आप करते हैं उसके कुछ तरीके होते हैं, और बात बिल्कुल सही है कि तरीकों से किए गए काम हमेशा अच्छे ही होते हैं। आज हम बात करेंगे आपके बेड लाइफ के बारे में। इसकी अपनी एक लाइफ और कुछ तरीके होते हैं। दोस्तों, जैसे टेबल मैनर्स होते हैं वैसे ही बेड मैनर्स भी होते हैं। हालांकि बहुत से लोग बेड मैनर्स फॉलो नहीं करते। बेडरूम में जाने से पहले कुछ रूल्स और तमीज़ होती है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। यदि आप अपने सेक्सुअल लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो आपको बेडरूम मैनर्स का भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी बेड लाइफ को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। इसका करता है, आज आपको जानना है इसके नियमों के बारे में जो आपकी बेड लाइफ को पहले से बेहतर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला मैनर्स आता है, सेक्स के दौरान ना बोलें। आपको बता दें कि बेड पर पहुंचने पर आप ज़्यादा ना बोलें तो आपके लिए अच्छा होगा। हमेशा आपको सेक्स के पहले और बाद में बोलना चाहिए। सेक्स के दौरान चटर पटर बोलने से आपका पार्टनर जल्दी ही सो जाएगा, इससे आपको बचना है। और इसमें दूसरा टिप ये है कि फेक बिहेवियर ना करें। अगर आपने सेक्स के दौरान ओरल रिएक्ट किया तो आपके पार्टनर का मूड ऑफ हो सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि आपको नेचुरली करना है। फेट ऑर्गेजम कर्नाटक आगे इन मैनर्स को ध्यान में रखना चाहिए। और इसमें तीसरी टिप यह है कि आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि बेड टाइम आप अपने भविष्य को लेकर बात ना करें। कभी कभी आप इमोशनल होकर भविष्य के बारे में बात करने लगते हैं, इससे आपको ये समय खराब हो सकता है। और इसमें है कि जोर जोर से ना बोले और ना हंसे। आपको इस दौरान एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आपको बिल्कुल भी जोर जोर से हंसना या बोलना नहीं है। इससे हो सकता है कि आपका पार्टनर शर्मसार हो जाए और आपका बेड टाइम पूरी तरह से खराब हो जाए। यह आप दोनों के लिए सही नहीं है। और इसमें पांचवा टिप आता है, पार्टनर का मजाक ना उड़ाएं। आपको रहने की जगह उसका साथ देना चाहिए। जब वो सेक्स के दौरान आपके साथ कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करे तो आपको उनका साथ देना चाहिए। और इसमें अगली टिप आती है कि अक्सर ये सुनने में आता है कि महिलाएं बेड टाइम सेक्स करने के दौरान कपड़े रिमूव करते वक्त आपके लुक्स को लेकर टेंशन में रहती है। ऐसा करने से आपके पार्टनर का मूड खराब हो सकता है। आपको अपने लुक्स को नज़रअंदाज करना है। और इसमें अगली टिप ये आती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर खर्राटे आते हैं तो इसकी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपके बॉडी से स्मेल आती है तो आपको रोज़ाना नहाने के बाद ही बेडरूम में जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पार्टनर आपके साथ खुश है और उसे आपसे कोई शिकायत नहीं है तो आपको कुछ संकेत मिलते हैं, और गहराई से जानने पर आपको पता चलेगा कि यही है हैप्पी कपल होने की वजह। एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर दो लोग एक साथ मिलकर प्यार और काम करें तो रिश्ते को खुशहाल बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।